हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेथी मटर मलाई की सब्जी बनाएंगे। मेथी मटर मलाई की सब्जी आज हम बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि कैसे बनता है ये देखते हैं। मेथी मलाई मटर सब्जी के लिए मुझे मेथी लेना है और इसे मैंने बारीक काट लिया है। पानी से दो चार बार मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसे मुझे 5 मिनट तक के लिए बॉईल करना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें मुझे मेथी डाल देना है। और 5 मिनट इसे मुझे बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। मेथी बहुत अच्छी तरह से गल गया है, अब इसे मुझे पानी से निकाल के अभी हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर मुझे इसे पानी से निकाल के निचोड़ के रखना होगा, जो मैं लास्ट में मुझे सब्जी में मिक्स करना है। मेथी मटर मलाई के लिए मुझे मसाला तैयार करना होगा और मैंने पानी चढ़ा दिया है। मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है प्याज एक बड़े साइज़ का और 2 इंच अदरक, ये अदरक लेना है। और उसमें पड़ेगा थोड़ा सा काजू, तो ये सबको मुझे बॉईल करना है, तो बॉईल करने जो डाल देते हैं। अब इसमें पड़ जाएगा हरा मिर्चा और अब पड़ जाएगा एक टमाटर। 2 मिनट और मुझे पकाना है, उसके बाद इसका मुझे पेस्ट बनाना है। ये पक चुका है मसाला, अब इसे मुझे ग्राइंड करना है। इस स्ट्रेनर से मुझे ये निकाल लेना है जिससे इसका पानी आराम से निकल जाएगा, और ग्राइंडर में डाल देना है। इस तरह से सारे मसाले को आप इसमें ग्राइंडर में डाल दें। अब मुझे थोड़ा सा ये मटर को गर्म करना है, बॉईल करना है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मैंने एक पॉट भरकर मटर लिया है और इसे हम बॉईल करने के लिए उसी पानी में डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर बॉईल होने के लिए सॉफ्ट होने तक रहने देते हैं। मसाला मैंने बहुत अच्छे से महीन पेस्ट बना लिया है इसका, अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मुझे तड़का लगाना है। सबसे पहले मुझे ये डालना है, तेजपात है, 2 बड़ी इलायची एक है और 2 दालचीनी का टुकड़ा है, तो ये मुझे उसमें डाल देना है। और थोड़ा सा इसमें पड़ जाएगा जीरा, इसे थोड़ी देर पकने देते हैं तड़का को। तड़का पक गया है, अब इसमें मुझे डाल देना है पेस्ट जो मैंने तैयार किया है। मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, ये थोड़ा सा पक भी गया है। अब इसमें मुझे बाकी मसाला डाल देना है। सूखे मसालों में मैंने लिया है रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। तो चलिए इसे डाल देते हैं और स्वादानुसार नमक भी देना है। ये सारा मसाला इसमें हम डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अब इसमें मुझे डाल देना है मेथी जो मैंने बॉईल करके या निचोड़ के रखा हुआ था। थोड़ा सा इसे मुझे अभी इसमें भुनना है। जब मसाले में ये भून जाएगा अच्छा से, तब मुझे उसके बाद मटर डालना है। मटर भी अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसे मुझे सब्जी में डाल देना है। इसे 2 मिनट मुझे अच्छे से भूनना है। मैंने मटर को भी डाल के अच्छी तरह से भून लिया है इसमें। अब इसमें मुझे डाल देना है क्रीम। क्रीम मैंने 1/2 पॉट लिया है सब्जी के अकॉर्डिंग,
अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और क्रीम पड़ेगा। तो चलिए क्रीम डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ी देर अभी मुझे ढक के इसे पकाना है। वन स्कूप मुझे इसमें थोड़ा सा मिल्क डालना है, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। और इसे मुझे ढक के थोड़ी देर के लिए पकाना है कम आंच पे। थोड़ा सा इसमें अब मुझे थोड़ा हल्का पानी डालना है ताकि ये मटर को और भी अच्छी तरह से गला दे। और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ये लीजिए, मेथी मटर मलाई बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक बार बना के ट्राई करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।